हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी आपकी बुक की एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 4। बेटा, आपको इस क्वेश्चन में कहा है इसमें से आपको इसको माइनस करना है, सबट्रैक्ट करना है। तो बेटा, इनके बीच आपको कौन सा साइन लगाना होगा? माइनस का, ठीक है। और बच्चों ध्यान रखिए, ब्रैकेट भी लगाना होगा, ठीक है। अब बेटा इसे सॉल्व कर लेते हैं। 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। अब बच्चों यदि साइन की गड़बड़ आपसे होती है तो बेटा इसका एक सॉल्यूशन है। देखिए किस तरह से, जब भी ब्रैकेट के बाहर आप माइनस साइन देखो और बेटा आप ब्रैकेट ओपन कर रहे हो तो अंदर जितने भी टर्म्स लिखे हैं उनके साइन सिर्फ बदल दो। देखिए किस तरह से, ये प्लस का है बेटा माइनस का लिख दो, ये माइनस का है प्लस का लिख दो, ये प्लस का है माइनस का लिख दो, और ये प्लस का ही माइनस का लिख दिया, ठीक है। अब देखिए, अब हम क्या देखेंगे? अब बेटा हम लाइक टर्म देखेंगे, उन्हें एक साथ देखेंगे। देखिए इधर ए है, इधर ए है, दो जगह ए है, बेटा एक साथ लिख लेते हैं। 12a माइनस 4a, ठीक है। अब बेटा यदि आप बी देखते हो तो इधर बी है, इधर बी है, एक साथ लिख लो। 5b माइनस 3b, ठीक है। अब बेटा ए बी देखें, यहाँ ए बी है, यहाँ ए बी है, एक साथ लिख लो, ये माइनस 9ab प्लस 7ab, ठीक है। अब नंबर देखिए, यहाँ पे नंबर है और बेटा यहाँ पे नंबर है, लिख लेते हैं माइनस 3 माइनस 12। अब बच्चों देखिए, दोनों जगह ए लिखा है, ठीक है, मतलब ये लाइक टर्म से इन्हें आपस में जोड़ा भी जा सकता है और माइनस भी किया जा सकता है। अब देखिए यहाँ 12 लिखा है, यहाँ 4, 12 में से 4 माइनस करेंगे कितना आएगा बेटा? 8, ठीक है। और यहाँ ए लिखा है तो ए भी आएगा, ठीक है। अब बच्चों ये भी लाइक टर्म है, दोनों में बी लिखा है ना, तो 5 में से 3 माइनस करोगे 2 आएगा, तो ये 2 और बच्चों ये बी भी आएगा, ठीक है। अब बेटा देखिए, दोनों में ए बी लिखा है, ठीक है, मतलब लाइक टर्म है। अब बच्चों ये माइनस का है, ये प्लस का है, माइनस प्लस माइनस होता है, तो 9 में से 7 माइनस करोगे 2, है ना, और साथ में क्या आएगा बेटा? AB। आंसर में हमेशा बड़े नंबर का साइन आता है, बड़ा नंबर 9 है, उसके आगे माइनस है तो बेटा माइनस आएगा, ठीक है। इधर बेटा नंबर बचे, दोनों माइनस में है, माइनस माइनस प्लस होता है, 3 में 12 जुड़ जाएगा 15। आंसर में हमेशा बेटा बड़े नंबर का साइन आता है, बड़ा नंबर 12 है, उसके आगे माइनस है तो बच्चों माइनस आएगा, ठीक है। इस तरह से बच्चों क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बेटा इस क्वेश्चन में आपको इसमें से इसको माइनस करना है, सबट्रैक्ट करना है, तो बेटा यहाँ कौन सा साइन लगाओगे? माइनस का। और आपको याद रखना है ब्रैकेट भी लगाना है, ठीक है। अब बेटा इस पूरे को हम लिख लेते हैं। 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz। अब बच्चों जब भी ब्रैकेट के बाहर आप माइनस साइन देखो और ब्रैकेट यदि आप ओपन कर रहे हो तो अंदर लिखे हुए सभी टर्म्स के साइन बदल दो, ठीक है। तो ये प्लस का है, अब बेटा माइनस का हो गया, ये बेटा प्लस का है माइनस का हो गया, ये माइनस का है तो बेटा अब ये हो गया प्लस का, साइन बदल गए। ऐसा मैंने क्यों बताया? क्योंकि यदि आपको प्लस माइनस के रूल याद नहीं रहते तो बेटा आप फिर भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, ठीक है। अब बच्चों लाइक टर्म्स एक साथ लिख लेते हैं, यहाँ एक्स वाई है, एक साथ लिख लो 5xy माइनस 3xy, ठीक है। इधर बेटा वाई जेड है, इन्हें भी आप एक साथ लिख लो माइनस 2yz माइनस 5yz, ठीक है। अब बेटा यहाँ जेड एक्स है, यहाँ भी जेड एक्स है, एक साथ लिख लो माइनस 2zx प्लस 7zx, ठीक है। अब बेटा सिर्फ बचा क्या? ये 10xyz, तो बेटा उसे वैसे ही लिख लो प्लस 10xyz। अब बच्चों ये लाइक टर्म से आपस में जुड़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं, दोनों में एक्स वाई, ठीक है। तो देखिए 5 में से 3 माइनस करोगे 2 आए, और बेटा एक्स वाई है तो एक्स वाई भी लिख दो। अब बेटा ये भी लाइक टर्म से, क्यों? क्योंकि दोनों में वाई जेड है, ठीक है। तो बेटा ये माइनस का 2 है, ये माइनस का 5 है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 2 में 5 जोड़ोगे 7, और वाई जेड भी लिखोगे। लेकिन आंसर में हमेशा बड़े नंबर का साइन आता है,
बड़ा नंबर 5 है उसके आगे माइनस है तो बेटा माइनस लगा दो। ठीक है, अब इधर देखिए ये भी बेटा लाइक टर्म्स है, दोनों में जेड एक्स है तो बेटा आप इन्हें जोड़ भी सकते हो माइनस भी कर सकते हो। देखिए ये प्लस का 7 है, ये माइनस का 2 है, प्लस माइनस माइनस होता है तो 7 में से 2 माइनस हो गया, क्या बचेगा बेटा 5zx। आंसर में बेटा हमेशा बड़े नंबर का साइन आता है, 7 बड़ा नंबर है उसके आगे प्लस है तो बेटा प्लस भी लगाइए। ठीक है, और ये बचा प्लस 10xyz। बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बेटा आपको इस पूरे में से इसको माइनस करना है, सबट्रैक्ट करना है, तो बेटा सबसे पहले यहाँ माइनस साइन लगा लेते हैं और ब्रैकेट लगा लेते हैं। ठीक है, अब बेटा इस पूरे को लिख लेते हैं, 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर क्यू। ठीक है, मैंने इस पूरे को सिर्फ लिखा है, अब बेटा ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन ही, अंदर के साइन बदल जाएंगे। ठीक है, ये प्लस का है अब बेटा माइनस का हो गया। ठीक है, ये माइनस का है अब बच्चों प्लस का हो गया, ये प्लस का है ये बेटा अब माइनस का हो गया, ये माइनस का है अब बेटा प्लस का हो गया, ये प्लस का है माइनस का हो गया, ये माइनस का है प्लस का हो गया, साइन बदल। ठीक है, अब बेटा एक जैसे टर्म एक साथ लिख लेते हैं। देखिए सबसे पहले बेटा मुझे नंबर दिख रहा है 18 और 10, तो बेटा इसे ही पहले लिख लेते हैं 18 प्लस 10। ठीक है, अब बेटा P देख लीजिए, P यहाँ पे है और बेटा यहाँ पे है। ठीक है, एक साथ लिख लो माइनस 3p प्लस 8p। ठीक है, अब Q देखिए, Q बच्चों यहाँ पे है और बेटा यहाँ पे है, एक साथ लिख लो माइनस 11q माइनस 7q। ठीक है, अब PQ देखिए, यहाँ पे PQ है और बेटा यहाँ पे है, एक साथ लिख लो 5pq प्लस 3pq। ठीक है, अब देखिए पी क्यू स्क्वायर यहाँ पे भी है, पी क्यू स्क्वायर इसे एक साथ लिख लेते हैं, ये माइनस 2pq स्क्वायर, ये माइनस 5pq स्क्वायर। ठीक है, अब बेटा देखिए पी स्क्वायर क्यू यहाँ पे भी है ना, दोनों को एक साथ लिख लो 5p स्क्वायर क्यू माइनस 4p स्क्वायर क्यू। ठीक है, अब बच्चों सॉल्व कर लेते हैं, 18 में 10 जोड़ोगे 28। ठीक है, अब इधर देखिए ये बेटा लाइक टर्म्स है, दोनों में p लिखा है, जोड़ भी सकते हैं और बेटा घट भी सकते हैं, तो 8 और 3 लिखा है, प्लस माइनस माइनस होता है, 8 में से 3 माइनस हो गया, क्या बचेगा बेटा 5p। लेकिन आंसर में हमेशा बड़े नंबर का साइन आता है, 8 बड़ा नंबर है इसलिए प्लस आ रहा है। ठीक है, अब इधर चलिए, ये दोनों लाइक टर्म्स है, दोनों में क्यू लिखा है, दोनों जुड़ जाएंगे, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, तो 11 में बेटा आप 7 जोड़िए 18 और क्यू भी लिखेंगे। ठीक है, आंसर में बड़े नंबर का साइन आता है, बड़ा नंबर 11 है उसके आगे माइनस है तो बेटा आंसर भी माइनस आएगा। ठीक है, अब इधर देखिए दोनों में पी क्यू है, 5 और 3 ऐड हो गए, कितने हो गए बेटा 8pq। ठीक है, अब इधर चलिए दोनों में बेटा पी क्यू स्क्वायर है, दोनों माइनस के हैं, दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस प्लस होता है, 2 और 5 बच्चों 7 और लिखोगे आप साथ में क्या पी क्यू स्क्वायर। आंसर में बड़े नंबर का साइन आता है, बड़ा नंबर 5 है उसके आगे माइनस है तो बेटा माइनस लगा दो। अब बच्चों इधर देखिए दोनों में बेटा पी स्क्वायर क्यू है, ठीक है, तो 5 में से 4 माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा बेटा 1 और साथ में क्या लिखोगे पी स्क्वायर क्यू। ठीक है, अब बच्चों इन्हें अरेंज करके लिख लेते हैं, देखिए पी स्क्वायर क्यू इसे बेटा पहले लिख लेते हैं पी स्क्वायर क्यू। ठीक है, फिर बेटा इसे लिख लो माइनस 7pq स्क्वायर। ठीक है, अब बेटा pq वाला टर्म्स लिख लो 8pq। अब बच्चों p वाला टर्म्स लिख लो 5p। अब बेटा q वाला लिखिए माइनस 18q। अब बच्चों लास्ट में नंबर लिखिए प्लस का 28। इस तरह से बेटा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए फिर मिलेंगे, फिर कुछ नया सीखेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।